बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज इंटीग्रल इनइक्वालिटी का हमारा लेक्चर 23 है, जर्नलाइज्ड एस्ट्रोस की ग्रास टाइप इनइक्वालिटी, प्रेजेंटेड बाय साजिद जमील। इंस्ट्रक्टर हमारे हैं डॉक्टर गुलाम फरीद साहब, क्लास MS मैथमेटिक्स 2। ग्रुप मेंबर्स हमारे पास हैं मोहम्मद तनवीर, साजिद जमील, मोहम्मद उमर रजा, हारून उल अमीन, ऑफर असियाब अहमद, समरा अमीन, कैनात नसीम, मोहम्मद नवीद शेरयार। In this lecture, we will discuss the generalized Ostrowski-Gross type inequality, which status as follow. Generalized Ostrowski-Gross type inequality को हम इसे state करते हैं. Let I subset of R an open interval a b belong to I with a less than b if f from I to R is a differential function such that there exist constant small gamma capital gamma belong to R with small gamma less or equal to f prime of x less or equal to capital gamma for all x belong to close interval AB, then we have this inequality for all x belong to close interval AB, and this inequality is known as generalized Ostrowski-Gross type inequality. First, we'll define, let us define the kernel kxt as follows, which is piecewise function t minus a plus x divided by 2 for all t belong to close interval a to x, t minus b plus x divided by 2 for all t belong to open interval x to b. Now first calculate integral a to b kxt f prime of t dt. ये हमारे पास piecewise function है, इसको दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, a to x, x to b. a to x के लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन है और x to b के लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन है. अब ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें और इसमें सेम है, तो दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं. टी एफ प्राइम ऑफ टी, टी एफ प्राइम ऑफ टी, इसको हमने ये लिख दिया, ए टू बी टी एफ प्राइम ऑफ टी माइनस ए प्लस एक्स डिवाइड बाई टू ए टू एक्स एफ प्राइम ऑफ टी माइनस बी प्लस एक्स डिवाइड बाई टू एफ प्राइम ऑफ टी. ठीक है, ये हमारे पास दो फंक्शन है टी के, टी एफ प्राइम ऑफ टी, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा. ये हमारे पास इस पर इंटीग्रेशन में पार्ट नहीं लगेगा, सिंपल इंटीग्रेशन होगी, इसकी सिंपल इंटीग्रेशन होगी. जब इस पर इंटीग्रेशन में पार्ट लगाएंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म से इंटीग्रेशन करने से ये आ जाएगी, और थर्ड टर्म इंटीग्रेट करने से हमारे पास ये चीज आ जाएगी. इसमें आपको समझ जाएगा बी एफ एफ ए माइनस ए एफ एफ ए माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ एफ टी डी टी ए प्लस एक्स डिवाइड बाई टू सेम टू सेम, ये एफ एफ एक्स माइनस एफ एफ ए माइनस बी प्लस एक्स डिवाइड बाई टू सेम टू सेम, क्या हो जाएगा एफ एफ बी माइनस एफ एफ एक्स सेम टू सेम. एफ एफ बी एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, इन दोनों से आप एफ एफ बी कॉमन लेंगे तो हमारे पास बी माइनस बी प्लस एक्स डिवाइड बाई टू ये आ जाएगा. ये वाला इंटीग्रल हमारे पास सेम टू सेम प्लस एफ एफ एक्स, एफ एफ एक्स एक हमारे पास ये वाला है और एक एफ एक्स हमारे पास ये वाला है, तो मैंने प्लस एफ एक्स सेम कॉमन ले लिया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास ये टर्म क्या आ जाएगी प्लस में और ये टर्म क्या आ जाएगी नेगेटिव में. एफ एफ ए हमारे पास दो हैं, एक ये है और एक ये, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाली टर्म ए प्लस एक्स डिवाइड बाई टू ये आ गई है और माइनस ए क्या आ गया यहाँ पर आ गया है. इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, सिमिलर इसको आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आएगा और इसका आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और ये वाला इंटीग्रल हमारे पास सेम टू सेम. अब फर्स्ट थ्री टर्म में से आपके पास वन बाई टू कॉमन आ रहा है तो वन बाई टू कॉमन ले लिया है, तो बी माइनस एक्स एफ एफ एक्स सिमिलरली प्लस एक्स माइनस एफ एफ है ये, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस बी माइनस एफ एफ बी ये आ जाएगा. ये इंटीग्रल ए टू बी एफ एफ टी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन बन गई है. अब हम इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इंटीग्रल ए टू बी के एक्स टी, अगेन हमारे पास पीसवाइज फंक्शन है, ए टू एक्स हमारे पास डिफरेंट फंक्शन है, एक्स टू बी हमारे पास डिफरेंट फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये चीज आएगी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी. जब लिमिट पुट करेंगे तो इसमें अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट से जो टर्म आएंगे वो सेम टू सेम होगी, वो कैंसिल हो जाएंगी. सिमिलरली इसमें अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट दोनों टर्म सेम होगी, कैंसिल हो जाएंगे, मतलब आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट दिस इंटीग्रल इक्वल टू जीरो. For any arbitrary constant c, we conclude from 1 and 2, 1 and 2 से हम conclude कर सकते हैं ये चीज़, kx से मल्टीप्लाई करें इसके साथ, इसके साथ ही मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रल भी दोनों से अलग अलग करें तो हमारे पास ये आ जाएगी. ये हम जानते हैं इक्वेशन 2 से हमारे पास ये वाली टर्म क्या है, जीरो है, मतलब ये चीज़ जीरो है तो हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी. ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 कर दिया है, और हम ये जानते हैं कि इस ये लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम एफ प्राइम ऑफ टी माइनस सी इंटीग्रल kx dt ऑफ टी से. ठीक है, सी हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, हमने सेलेक्ट कर दिया है कैपिटल गेमा प्लस गेमा स्मॉल गेमा डिवाइड बाय टू, और हमें पता है कि एफ प्राइम ऑफ टी लेस देन इक्वल टू गेमा है फॉर ऑल टी बिलोंग टू ए बी और कैपिटल गेमा
कि बड़ा है स्मॉल गेमर से, तो इसलिए एफटीएमटी लेस देन होगा दिस गेमर से। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ हमारे पास पॉजिटिव है क्योंकि कैपिटल गेमर हमारे पास ग्रेटर है स्मॉल गेमर से। ठीक है, हम मैक्सिमम की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, इस इंटीग्रल को। तो पहले हमने कैलकुलेट किया था इसको विदाउट मॉड, अब हम विद मॉड के साथ जब कैलकुलेट करेंगे तो जब ये इंटीग्रल हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जब इस इंटीग्रल की आप वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, तो हमारे पास ये जो है इक्वेशन नंबर 5 है, हमें वैल्यू पुट करनी है इधर इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। सही हो गया, बाकी इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू आपको जो है ना इक्वेशन नंबर 3 से मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 से आप इसकी वैल्यू उठाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू है, पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी, एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। Again, thanks to all of you. Allah Hafiz.